हेलो एवरीबॉडी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक न्यू कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। उसका कोर्स कोड है APG211। वो 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2 क्रेडिट थ्योरी के लिए और 1 प्रैक्टिकल के लिए। ओके, आज का हमारा लेक्चर है कोर्स रिलेटेड इंट्रोडक्शन। कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे या देखने वाले हैं हम इस कोर्स में। ओके, तो अपने थ्योरी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल्स तो हम यहाँ करेंगे नहीं, थ्योरी पढ़ेंगे। और यह जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है वो फिफ्थ डीन कमेटी, ICR के फिफ्थ डीन कमेटी से जो रिसेंटली इशूड सिलेबस है वो है। डेफिनेटली आपके कोर्स में भी यही होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। यहाँ हम समझेंगे जेनेटिक्स है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड बातें देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेल क्या है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे सेल डिवीजन कैसे कैसे होता है, मियोसिस और माइटोसिस को समझेंगे। फिर अपना मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होगा, उसमें हम मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को पढ़ेंगे। फिर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम कुछ टर्म्स को समझेंगे जो कि बेस तैयार करेंगे हमारा, जैसे कि मल्टीपल एलील्स किसे बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है, स्यूडो एलील क्या होता है, और ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज, उसमें हम सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बारे में जानेंगे, पॉलीजीनी किसे बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या होता है उसको समझेंगे। देन फिर से अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और फिर हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, म्यूटाजेनिक एजेंट्स यानी म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, और मेथड्स क्या क्या है म्यूटेशन इंड्यूस करने का, और एक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, CIB टेक्निक। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। हम स्ट्रक्चर तो क्रोमोसोम का देख चुके हैं पहले ही, तो न्यूमेरिकल चेंज से क्या क्या होता है, मोनोजोमी, पॉलीजोमी, नलीजोमी, ये सब हम समझेंगे। फिर नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे, जेनेटिक मटेरियल के नेचर और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हम प्रूफ देखेंगे कि कैसे DNA और RNA इज जेनेटिक मटेरियल, वाई नॉट प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, वाई कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स फैट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देन हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे, ट्रांसलेशन को समझेंगे, उसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। फिर हम जीन को एक बार अच्छे से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जीन के बारे में, जीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे फिगर्स के थ्रू। फिर हम जीन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या काम करता है जीन, और देन हम जीन के रेगुलेशन को देखेंगे लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही था अपना सिलेबस। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाई दिस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।